एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन बैच के अंदर लास्ट ईयर पहली क्लास उनकी जो थी उसमें इतने स्टूडेंट्स ने वो क्लास ज्वाइन करी थी, लेकिन आखिरी क्लास तक आते आते उनके बैच में लाइव क्लास अटेंड करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो बचे थे मात्र 500। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ऑनलाइन में सिलेक्शन लेना ना ऑफलाइन में सिलेक्शन लेने से ज्यादा कठिन है, क्योंकि ऑनलाइन में सिलेक्शन लेते हुए आप इन प्रॉब्लम से फाइट करते हो। लैक ऑफ मोटिवेशन, भैया लेक्चर देखना शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में यार मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो लेक्चर देखने का मन नहीं करता है। फिर डिस्ट्रैक्शन, लेक्चर देखना शुरू करा, बीच में रिया का मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने लगे, शॉर्ट स्क्रॉल करने लगे, डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक्चुअल काम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से लेक्चर तो 1 घंटे का था पर लग गया 4 घंटा। फिर एक गलत तरीके से पढ़ाई करना, लेक्चर हमने सारे देख लिए थे लेकिन अब से अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया उस चैप्टर के बारे में मेरे को एक सवाल करके बता दो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में चीज बैठी ही नहीं क्योंकि गलत तरीके से पढ़ रहे थे। तो यार एक्चुअल में सही तरीका क्या है ऑनलाइन से पढ़ने का, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, बहुत जरूरी वीडियो तुम्हारे लिए, और चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना क्योंकि ये चैनल अब आपकी पूरी जेईई और नीट प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अपने आप से झूठ मत बोलना, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना। सबसे पहली चीज, क्या तुम ऑनलाइन बैच के अंदर जब टीचर क्वेश्चंस कराते हैं तो क्या तुम क्वेश्चंस को ट्राई करते हो या क्वेश्चंस को ऐसे छोड़ देते हो, ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में दिल पे हाथ रख के चीज बताना। फिर अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो क्या उसे 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो, या अगर नहीं कर पाते हो तो उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है उसका। और मेजरली आप देखोगे मेजर बच्चों का जो रीजन है ना, डिस्ट्रैक्शन, भैया शुरू तो करते हैं बट क्या होता है यार, भैया मैं रिया का मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, रील स्क्रॉल करने लगे, शॉर्ट स्क्रॉल करने लगे। फिर क्या आप लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस लेक्चर का रिवीजन करते हो क्या, एक्चुअल में टीचर ने पढ़ाया क्या था। ये तीनों चीजें अगर तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कमेंट सेक्शन में अभी लिखना, झूठ मत बोलना खुद से, और वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना, छोटी सी वीडियो होगी बट बहुत लाइफ चेंजिंग है आपके लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, डिस्ट्रैक्शन। भैया लेक्चर देखना शुरू करते हैं मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ही नहीं छूट रहा है, क्या करें। देखो सबसे अच्छा तरीका डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने का क्या है, मैं 3 मेथड यहां पर लिखी है। पहला मेथड है पासवर्ड मेथड। भाई देखो सिंपल सा काम कर लो, अपने फोन का जो पासवर्ड है वो ये लगा दो, आई लॉस्ट। ठीक है, जो भी ऐप्स आप खोल देते हो ना बार बार, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, वो सभी अकाउंट का पासवर्ड ये लगा दो, आई लॉस्ट। बार बार ये पासवर्ड डालने का मन नहीं करेगा, आप देखोगे डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट आपका फोन खोलना काफी कम हो जाएगा। फिर वॉलपेपर मेथड, ये क्या है, देखो इसमें दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो वॉलपेपर मेथड में ना, वॉलपेपर पर कोई ऐसी चीज लगा लो जिससे आपको मोटिवेशन आता है। कोई IIT का फोटो लगा सकता है, ठीक है, कोई कोट लगा सकता है, कोई ऐसी फोटो लगा लो जिससे आपको मोटिवेशन आता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, दूसरे ना वो बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बार बार इधर से उधर जाते रहते हैं, तो आप अपने वॉलपेपर पर ना कोई भी गंदी सी चीज लगा लो जिसको आपको देखने का कभी मन ना करता हो, कोई डरावनी सी चीज लगा लो जिसको देखने का कभी मन ना करता हो, आप केवल और केवल इस चीज के चक्कर में अपने फोन का डिस्ट्रैक्शन को कम कर दोगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तीसरी चीज डिले रूल। देखो यार अगर मान लो तुमने सोचा कि मेरे को इंस्टाग्राम खोलना है, और इस थॉट में अगर 10 से 15 सेकंड का डिले आ जाए ना, मतलब सोचने से लेकर एग्जीक्यूशन के बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जमीर जाग जाए और आप ना खोलो। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपका जो सबसे डिस्ट्रैक्शन वाला ऐप है ना, आप उसको अनइंस्टॉल कर दिया करो हर बार, और पासवर्ड में ये लगा दिया करो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 7 दिन के अंदर आप देखोगे ये डिस्ट्रैक्शन काफी कम हो जाएगा और आप लेक्चर्स पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाना है, बहुत जरूरी वीडियो है हर स्टूडेंट के लिए। देखो दूसरा प्रॉब्लम है, भैया मोटिवेशन ही नहीं रहता है पूरे लेक्चर में, जो एनर्जी के साथ आए थे आखिरी तक आते आते एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले ये एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हो मेरे भाई तुम। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, देखो टीचर ने तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक, क्या तुम उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में समझ पाए। ये तुम्हें कैसे पता लगेगा, ये तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर रहे होगे। लेकिन नोट्स में नोट डाउन बच्चे कैसे करते हैं, एक तरीका होता है टीचर बोल रहे हैं, ठीक है, मैं बस लिखता जा रहा हूं टीचर के साथ साथ, बिल्कुल गलत तरीका है। जब टीचर बोल रहे हैं, कोई थ्योरी बता रहे हैं, आप उस समय उस थ्योरी को बहुत ध्यान से बहुत माइन्यूटली समझने की कोशिश करिए, एक्चुअल में टीचर कह क्या रहे हैं। और एक बार जब आपको वो थ्योरी समझ में आ गई, उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड। पहले आप ये ट्राई करिए अपने आंसर लिखने की, अपने रिकॉल कराने की कोशिश करिए कि आपने एक्चुअली में क्या पढ़ा था, और उसके बाद अगर आप रिकॉल करा पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा पाते हैं तो वापस आप एक बार हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस मेथड से नोट्स बनाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव लर्निंग कर पा रहे हैं, अपने फुल बॉडी को ब्रेन को काम में लेकर आ पा रहे हैं, तो पूरे टाइम एनर्जी बनी रहेगी। फिर रोड मैप मेथड क्या यूज करते हो तुम क्वेश्चंस करते समय, जब टीचर ने क्वेश्चन दिया, मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो भैया क्वेश्चन को देख रहे हैं खाली और कुछ नहीं कर रहे हैं। रोड मैप मेथड क्या कहता है, अगर टीचर ने क्वेश्चन दिया तो आप उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं एक रोड मैप बनाइए कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ होगा।
इसका आप एक रोड मैप रेडी करिए, एक रफ रोड मैप रेडी करिए कॉपी में, ये पहले ये फॉर्मुला लिखा होगा, फिर ये फॉर्मुला लिखा होगा, फिर ये फॉर्मुला लिखा होगा, आप ऐसा एक रफ रोड मैप रेडी करिए। या आप जहां पर भी फंस रहे हो उस स्टेप को आप सर्किल कर लीजिए। मान लीजिए मैं एक रोड मैप, मेरे को एक रोटेशन का सवाल आया तो मैंने उसका रोड मैप बनाया कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद क्या होगा यार, सर्किल कर दिया। फिर आप सोल्यूशन देखिए कि एक्चुअल में टीचर ने कैसे कराया, और जहां पर आप फंसे थे बस वही स्टेप आपको सीखना है। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप टीचर को बस देख रहे हो सोल्यूशन देखते हुए, तो आपको लग तो रहा है, आपको वहम हो रहा है, आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बट आप एक्चुअल में नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये रोड मैप मेथड आप यूज करेंगे, जैसे टीचर क्वेश्चन देंगे आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को पहले सोचेंगे कि इसका रोड मैप ये होना कैसे चाहिए। क्वेश्चन एक रोड मैप रेडी करोगे, जिस स्टेप में आप फंसे उसको सर्किल कर दोगे, और उसके बाद जब टीचर को सवाल को कराएगा सॉल्यूशन को ध्यान से देखोगे, जिस स्टेप में आप फंसे थे वो स्टेप आपको दिमाग में स्पेशली याद रखना है, तो उस स्टेप को मार्क कर लोगे, अगली बार जब आप नोट रीड करोगे तो वो स्टेप दिमाग में बैठ जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर लीन फॉरवर्ड होकर पढ़ते हो क्या? मोस्टली तो बच्चे भाई कुर्सी और पे और टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हो तो वैसे ही खत्म हो, लेकिन अगर आप कुर्सी पे भी पढ़ रहे हो तो एक तरीका होता है पढ़ने का कि आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, लेक्चर चल रहा है, इससे आप बहुत जल्दी आलसी फील करोगे। लेकिन एक तरीका होता है कि जब आप लीन फॉरवर्ड होकर पढ़ रहे हो, आपका पूरा फोकस एक अटैक स्ट्रेटजी से आप पढ़ रहे हो कि यार मैं एक्चुअल में पढ़ूंगा, कंसेप्ट को समझूंगा, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को करूंगा, देखूंगा आगे क्या होता है, तो एक अटैक स्ट्रेटजी से चलना है। लीन फॉरवर्ड होके क्वेश्चंस को ट्राई करके एक्टिवली चीज लर्न करके आप अपने आप देखोगे आपका मोटिवेशन पूरे लेक्चर में बना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर। भैया देखो यार, जैसे ही तुमने ऑनलाइन लेक्चर कंप्लीट करा, 99% चीज तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो चुकी होती है, ये एक्चुअल रियलिटी है, तुम्हें नहीं पता लग रही है बट वो हो चुकी है, और हफ्ते भर में तो पूरा सब गायब हो जाएगा भाई कि क्या पढ़ा था। तो कोरा कागज मेथड आप यूज करेंगे। कोरा कागज मेथड क्या कहता है? अगर तुम्हें कोई चीज आ गई है तो तुम उसको एक खाली पेज के ऊपर लिख सकते होने चाहिए हो। ये एक एक्टिव रिकॉलिंग की एक एक्सरसाइज है जिससे आप चीजों को रिकॉल कर पाते हैं। इसको यूज करें, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा आप एक कोरा कागज उठाएंगे और उसके ऊपर जो कुछ भी लेक्चर में पढ़ाया गया था उसको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तीसरी दूसरी चीज क्या है? क्या आप तीन लेयर रिविजन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं? आप में से 99% बच्चे नहीं कर रहे हैं। क्या है तीन लेयर रिविजन स्ट्रेटजी? भाई देखो, तुम्हें जो आज पढ़ाया गया उसको एक घंटा आज रिवाइज करो, जो कल पढ़ाया जाएगा उसको एक घंटा कल रिवाइज करना, और जो आज पढ़ाया गया था उसको 15 मिनट रिवाइज करना। फिर तीसरे दिन जो तुम्हें पढ़ाया गया उसको एक घंटा रिवाइज करना, जो दूसरे दिन पढ़ाया गया था उसको 15 मिनट रिवाइज करना, और जो पहले दिन पढ़ाया गया था उसको 5 मिनट रिवाइज करना। तो एक चीज के तीन रिवीजन आ जाएंगे, यानी जो पहले दिन पढ़ाया गया वो एक घंटा करा पहले आपने, फिर 15 मिनट करा, फिर 5 मिनट करा। इस स्ट्रेटजी से अगर आप चलते हो मैं गारंटी ले रहा हूं आप ना चीज भूलोगे ही नहीं, पर 99% बच्चे करते ही नहीं है सब। फिर शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, हर एक चैप्टर के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करिए ताकि आप आगे चल के उसको रिवाइज कर सके। बेस्ट शॉर्ट नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ गाइडेंस। तो हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जेई मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चालू करा है, जहां पर मैं आपके लिए लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, जेई मेंस क्वेश्चन बैंक, एडवांस क्वेश्चन बैंक, लेक्चर लाइब्रेरी और बहुत सारा मटेरियल दे रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें आपके जेई सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं चाहूंगा कोई भी बच्चा लैक ऑफ गाइडेंस के चक्कर में, लैक ऑफ राइट गाइडेंस के चक्कर में अपना सिलेक्शन ना लूज करे। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, आप देख के जरूर आना। फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये सभी जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आपको नेक्स्ट 7 डेज तक ये सारी की सारी चीजें अपने लेक्चर के अंदर जरूर ट्राई करनी है, और आप एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने मिलेगा। आपको चीजें बेटर तरीके से, आपके कंसेप्ट बेटर तरीके से आप ग्रैप कर पाओगे, और आप वो चीजें बहुत शार्पली आपके दिमाग में बैठ पाएंगी। तो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, जो भी यहां पर मैंने चीजें बताई 7 डेज में फॉलो करोगे, जेई मेंटोरशिप प्रोग्राम को चेकआउट करके जरूर आओगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।